हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ रेखा और रेखा द इंडियन मॉम में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप बिल्कुल अच्छे। फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए बहुत ही यूनिक, बहुत ही इजी रेसिपी लेके आए हैं। बिना लहसुन प्याज के आप ग्रेवी तैयार कर सकते हैं, उससे आप अपनी मनचाही पसंद की, जो भी आपकी पसंद की सब्जी है वो फटाफट से बना सकते हैं और लंबे टाइम तक स्टोर भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आइए बिना लहसुन प्याज वाली ग्रेवी बनाना आपको सिखाते हैं। आज हम बनाने जा रहे हैं बिना लहसुन प्याज के एक ऐसी ग्रेवी जिससे हम 50 से ज्यादा सब्जियां घर में फटाफट से तैयार कर सकते हैं। हमने यहाँ पे लिया है एक पैन और पैन में डाल दिया है 1 चम्मच रिफाइंड ऑयल। ऑयल गरम हो चुका है, अब हम डाल देंगे 1 छोटा चम्मच जीरा, 1 चम्मच। देखिए जीरा अच्छी तरह से पक चुका है। अब हमने यहाँ पे लिए हैं कुछ खड़े मसाले, तेज पत्ता, 4-5 छोटी इलायची, 4-5 लौंग, 1 दालचीनी का टुकड़ा और 8-10 काली मिर्च, ये हम तेल में डाल देंगे। हमने यहाँ पे खड़े मसाले यूज लिए हैं क्योंकि इनका फ्लेवर बहुत ही बढ़िया आता है। हमने यहाँ पे 1 इंच अदरक ली है जिसके छोटे छोटे टुकड़े कर लिए हैं, अदरक को हम ऑयल में डाल देंगे। साथ ही मैंने लिए हैं काजू के टुकड़े, लगभग 2 चम्मच के आसपास टुकड़े हैं। आपके पास साबुत काजू है तो आप वो भी ले सकते हैं। 2 चम्मच हमने यहाँ पे लिए हैं मगज के बीज, अगर आपके पास मगज के बीज नहीं है तो आप सफेद तिल भी यूज में ले सकते हैं। आज जो हम ग्रेवी बनाने जा रहे हैं ये बहुत ही बढ़िया और बहुत ही यूनिक ग्रेवी है। इसको आप अगर फ्रीजर में रखते हैं तो आप 1 महीना तक स्टोर करके रख सकते हैं, और अगर आप फ्रिज में रखते हैं तो लगभग 10 दिन आप इसको स्टोर करके रख सकते हैं, और जब आपको मन करे तब आप ग्रेवी निकालें, गरम करें और जो मन में आए वो सब्जी फटाफट से तैयार कर लें। देखिए हमारे काजू मगज के बीज सब अच्छी तरह से फ्राई हो चुके हैं। अब हमने लिए हैं 5 बड़े साइज के टमाटर, वजन में देखें तो लगभग 1/2 किलो के आसपास हैं, और ये सलाद वाले टमाटर हैं जो हमने रफली चॉप करके रखे हैं। इनको भी अब हम पैन में डाल देंगे, अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मैंने यहाँ पे लाल साबुत मिर्च थोड़ी देर पहले गर्म पानी में भिगो दी थी, इस मिर्च को भी हम निकाल करके अपनी ग्रेवी जो हम तैयार कर रहे हैं इसमें डाल देंगे। आप चाहें तो कट कर लें, वरना ऐसे भी डाल सकते हैं। और थोड़ा सा मैं डाल रही हूँ धनिया के डंठल, जो धनिया हरा धनिया आता है उसके। देखिए हमने डंठल ले लिए हैं और साफ से अच्छी तरह से धो लिए हैं, इसको भी हमने ग्रेवी में डाल दिया है। सभी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे हमने जो लाल मिर्च डाली है वो कलर के लिए डाली है क्योंकि ये तीखी नहीं है, इससे ग्रेवी का कलर बहुत ही बढ़िया आता है। बिल्कुल रेस्टोरेंट वाली स्टाइल में ग्रेवी बनके हमारी तैयार होगी। अब हम डाल देंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक और साथ ही हम डाल देंगे 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच हम डाल देंगे हरा धनिया पाउडर, 1 चम्मच हम डाल देंगे लाल मिर्च पाउडर। मैंने यहाँ पे सभी मसाले डाल दिए हैं और सभी मसालों को अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है। अब हम ग्रेवी को पकने देंगे। लिड लगा देंगे और 5 से 7 मिनट के लिए ग्रेवी को हम पकने देंगे। 7 मिनट हो चुके हैं, लिड हटाते हैं। देखिए हमारी ग्रेवी कितने बढ़िया से तैयार हुई है। देखिए टमाटर बहुत अच्छे से पक चुके हैं। अब हम गैस के फ्लेम को बंद कर देंगे और ग्रेवी को ठंडा होने के लिए रख देंगे। ग्रेवी हमारी बिल्कुल अच्छी तरह से ठंडी हो चुकी है, अब हम ग्रेवी को जार में ट्रांसफर कर लेंगे। अब जार में हम अपनी तैयार की हुई ग्रेवी को डाल देंगे। अब हम ग्रेवी को बहुत अच्छी तरह से ग्राइंड कर लेंगे। देखिए कितने बढ़िया से हमारी ग्रेवी बनके तैयार हुई है। वापस से हम उसी पैन को साफ करके गैस पे रख लेंगे। वही पैन हमने साफ करके वापस ले लिया है और लगभग 3 बड़े चम्मच के आसपास हम घी डाल देंगे। जितना हमने घी लिया है उसी क्वांटिटी में हम तेल डाल देंगे, क्योंकि जो हम ग्रेवी बनाने जा रहे हैं उसमें घी और तेल का होना बहुत जरूरी है। इससे जो हमारी ग्रेवी है वो लंबे समय तक रुक जाती है, खराब नहीं होती है। घी और तेल की जगह आप बटर भी यूज में ले सकते हैं। देखिए घी और तेल बहुत अच्छे से गर्म हो चुका है। हमने यहाँ पे ली है 1 चम्मच पान मेथी, इसको डाल देंगे। 1 छोटा चम्मच हमने लिया है सिकावा जीरा पाउडर, 1 बड़ा चम्मच हम डाल देंगे हरा धनिया पाउडर,
एक छोटा चम्मच हम डाल देंगे कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। इससे कलर बहुत ही अच्छा आता है और तीखा भी नहीं होता है। जो हमारी ग्रेवी है बहुत ज्यादा स्पाइसी नहीं होगी। सभी मसालों को अच्छी तरह से भून लेंगे। देखिए बहुत अच्छे से खुशबू आ रही है, हमारे मसाले पकने लगे हैं, बहुत ही बढ़िया खुशबू आ रही है। मसाले पक चुके हैं, अब हम डाल देंगे तैयार की हुई ग्रेवी। देखिए कितनी बढ़िया लग रही है हमारी ग्रेवी। लगभग 1 से 2 चम्मच पानी से मैंने जार को धो लिया है और इसको भी हम ग्रेवी में डाल देंगे। ज्यादा पानी नहीं डालना है, नहीं तो हमारी जो ग्रेवी है वो पतली हो जाएगी। सभी चीजों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। देखिए जो तेल ऊपर आ रहा है, जो ऑयल आ रहा है ऊपर, इससे क्या होता है कि जो हमारी ग्रेवी है खराब नहीं होती है। और हमने पानी तो इसमें बहुत नाम मात्र का यूज में लिया है, दूध भी नहीं दिया है हमने यूज में, तो ये ग्रेवी हमारे लंबे टाइम तक सेफ रखी रहेगी, ये खराब भी नहीं होगी। और आप इससे फटाफट से कोई भी जो सब्जी चाहें वो बना सकते हैं। अब हम इसको 10 मिनट के लिए पकने देंगे, ढक्कन लगा देंगे। आइए लिड हटा के चेक कर लेते हैं हमारी ग्रेवी तैयार हुई है या नहीं। देखिए कितने बढ़िया से हमारी ग्रेवी बनके तैयार हुई है, तेल भी ऊपर आ गया है। ये देखिए जाली पड़ने लग गई है ग्रेवी में, बिल्कुल अच्छे तरीके से पक चुकी है। बिना लहसुन प्याज की ग्रेवी बिल्कुल रेडी है। और अब आप जब चाहें तब शाही पनीर, मलाई कोफ्ता, बटर पनीर मसाला, स्टफ गोभी या जो भी आपको सब्जी पसंद हो वो आप फटाफट से तैयार कर सकते हैं और लंबे टाइम तक ग्रेवी को स्टोर कर सकते हैं। देखिए कितने बढ़िया से तैयार हुई है। देखिए फ्रेंड्स हमारी ग्रेवी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। तो आप बिना लहसुन प्याज वाली ग्रेवी को बनाएं, टेस्ट करें और अपने कमेंट्स हमसे शेयर करें। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।